हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है TVS सिस्टर सीरी प्लस। देखिए इसका जो इंजन, ये खुला हूँ, ये जो व्हाइट स्मोक आ रहा था इसलिए जो सिलेंडर हेड टोटली खुला हूँ, और क्लास प्लेट, प्रेशर प्लेट, टाइमिंग चेन, टेंशनर टोटली सेट करने वाला हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं और जिसके पास बाइक है वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा चीज़ चेंज करना है और उसका प्राइस भी क्या है, आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए देखिए, टोटली साफ सफाई करने का काम भी हो गया, अभी सेट करने का काम। तो फास्ट क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट को सेट कर लेता हूँ। देखिए फास्ट क्लास प्लेट देखने की कोशिश करो, ये जो क्लास प्लेट, इस बाइक का जो इंजन में ऑयल नहीं था इसलिए ये क्लास प्लेट देखिए इसका हालत, ये इसलिए मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और नया जो क्लास प्लेट लेके आया हूँ वो भी दिखाता हूँ, और जो हाफ क्लास सेंटर क्लास वो तो सही है। देखिए ये हाफ क्लास सेंटर क्लास दोनों ही तो सही है। अभी ये जो क्लास प्लेट, ये इसमें क्लास प्लेट है, इसका प्राइस भी और पार्ट नंबर भी देख लीजिए। ये पार्ट नंबर और प्राइस देखिए, और इसके अंदर प्रेशर प्लेट है, वो प्रेशर प्लेट का जो प्राइस वो भी देखा था। देखिए ये प्रेशर प्लेट का प्राइस और ये पार्ट नंबर, ये फोन का है। तो आइए ये टोटली सेट कर लेता हूँ, और देखिए कितना प्लेट दिया जाता है, इसमें 3 प्लेट दिया जाता है। और जो क्लास प्लेट, ये क्लास प्लेट, देखिए इसमें 4 प्लेट दिया जाता है। देखिए अभी ये सेट कर लेता हूँ। देखिए एक क्लास प्लेट एक देने का काम हो गया, और दूसरा जो प्रेशर प्लेट, देखिए प्रेशर प्लेट में एक दोनों दो साइड अलग रहता है, ए साइड और ए साइड, आपको दोनों साइड में जो साइड आपको देना चाहिए। देखिए ए वाला मैं नीचे दे रहा हूँ इस तरह से, उसके बाद फिर से क्लास प्लेट और जो प्रेशर प्लेट, देखिए इस तरह से माप दीजिए, मैंने इसी तरह से दिया हूँ। देखिए उसके बाद और एक क्लास प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट। देखिए ये तो सेट करने का काम अभी ये होने वाला है। देखिए और आपको एक चीज़ देख लेना चाहिए, अभी सेंटर क्लास सेट करने के टाइम इसमें जो मार्क लगा हुआ रहता है, और देखिए ये जो मार्क, ये दोनों को सीधा बराबर करना चाहिए। देखिए ऑपोजिट साइड में भी मार्क है, ये दोनों में से आपका मर्जी। तो देखिए ये मार्क बराबर मैं इधर सेट कर रहा हूँ, देखिए ये सेट हो गया। क्लास असेंबली को मैं इधर ही सेट कर रहा हूँ, देखिए देखिए ये क्लास असेंबली, अभी ये सेट होने वाला है। देखिए ये सेट हो गया, अभी ये टाइट कीजिए, अभी ये वॉशर और ये नट, देखिए अभी इन नट को टाइट करना है। देखिए ये टाइट करने का काम हो गया,
देखिए दोस्त ये टाइट करने का काम हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर इसको बोलता है और इसका प्राइस 200 के आजू बाजू में है। और ये सेट करने के टाइम आपको इसमें एक लॉक भी सेट हुआ रहता है और लॉक को भी ठीक तरह से देख के सेट कीजिए। देखिए ये जो वॉशर, अभी ये वॉशर को इधर दे देता हूँ। अभी इसमें उल्टा थ्रेड वाला चाहिए, ये उल्टा थ्रेड वाला देखिए। इसको अच्छा से टाइट कीजिए। ये हो गए। आपको देना है एक बियरिंग। अब इसमें ए बूस्ट सेट करने से पहले आपको ए बॉल भी देना जरूरी है। और ए बॉल देने के टाइम थोड़ा ग्रीस डाल के दीजिए, नहीं तो सेट करने के टाइम ये बॉल बाहर आ सकता है। इसलिए देखिए ये बॉल अंदर चला गया। अभी इसमें सेट कीजिए, हो गया। अभी ये सेट करने के टाइम अभी इसमें वॉशर है कि नहीं है वो देख लीजिए, आ सकता है। देखिए इसमें 10 नंबर छोटा छोटा का बोल्ट लगा रहता है, छोटा वाला ये वाला। अभी देखिए ये तीनों भी टाइट हो गए। देखिए दोस्त ये पैकिंग भी सेट करने का काम हो गया। अभी जो क्लच साइड इसको सेट कर लेता हूँ। और ये सेट करने के बाद टाइमिंग चेन, टाइमिंग पैड और टेंशनर भी सेट करना है। और उसके पहले मैं ये जो सिलेंडर हेड को सेट करने वाला हूँ। और नया वाल्व कैसे ग्राइंडिंग करना चाहिए वो जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हूँ, पहले वीडियो बनाया था इसलिए, तो वो भी डाला हो, आप उधर से देख भी सकते हो। तो देखिए ये टाइट करने के बाद जो टाइमिंग चेन वो सेट करता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, ये पहले टाइट कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये जो इस बाइक का जो पुराना टाइमिंग चेन वो देखने की कोशिश करो। देखिए ये पुराना टाइमिंग चेन और जो टेंशनर पुराना, ये देखिए। अभी जो मैं नया लेके आया हूँ वो भी दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो टाइमिंग चेन वो है, देखिए इसका प्राइस 254 रुपीज़। और ये पार्ट नंबर और टेंशनर का प्राइस और पार्ट नंबर भी देखिए। देखिए ये टेंशनर भी सेम प्राइस और पार्ट नंबर। तो अभी ये जो टाइमिंग चेन ये बाहर करके ये जो पुराना वाला के साथ कितना पुराना वाला बड़ा हो गया और ये कितना छोटा है वो दिखाता हूँ। और टेंशनर भी देखिए, और टेंशनर भी किस तरह रहता है वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये जो टेंशनर, टेंशनर देखिए इसमें एक नट डाल के वेल्डिंग किया था। और देखिए टेंशनर इसमें कुछ नहीं रहता है, देखिए इस तरह रहता है। और इसमें देखिए और ये जो टाइमिंग चेन देखिए ये वाला, और जो पुराना वाला देखिए एक कितना बड़ा आया है, देखिए इतना। अभी ये टोटली सेट करना है, तो ये सेट करने के लिए पहले टाइमिंग चेन को मैं अंदर देता हूँ। देखिए इधर तो टाइमिंग चेन सेट करने का काम हो गया। देखिए ये टाइमिंग पैड में ये खराबी आया नहीं, इसलिए ये टाइमिंग पैड ही रहेगा। तो ये टाइमिंग पैड फर्स्ट इधर ही सेट कर लेना है। देखिए ये टाइमिंग पैड सेट हो गया। अभी मेरे को ये जो दूसरा टाइमिंग पैड ये अंदर देना है,
उसके बाद मेरे को ये जो हेड हेड को सेट कर लेना है। देखिए ये टाइमिंग चेन भी बाहर करने का कम हो गया है। देखिए ये इसको प्रोटेक्ट कीजिए, और ये जो टाइमिंग पैड ये तो खेलना चाहिए, ये तो सही है। ये मैग्नेट सेट हो गया, अभी ये टोटली टाइट कीजिए। इसमें जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मार्क टी वाला, ये मार्क के साथ इसमें एक मार्क दिखाई दे रहा है, ये मार्क दोनों को बराबर करना है। ये मार्क दोनों बराबर होने से पिस्टन टॉप में आएगा, और उस टाइम आपको ये टाइमिंग को सेट करना है। अभी ये मार्क तो बराबर है और पिस्टन भी ऊपर है, तो अभी ये टाइमिंग को सेट कर लेता हूँ। और टाइमिंग सेट करने के टाइम एक चीज़ आपको देख लेना है, ये छोटा वाला जो बूस्ट मैंने डाला हूँ, ये छोटा वाला बूस्ट ये मिडिल बराबर आएगा, टाइमिंग ये बराबर ही सेट होगा। और कैम तो देखिए फ्री है, अभी जो टाइमिंग इस पॉकेट उसको सेट कर लेता हूँ। देखिए ये सेट हो गया, और देखिए ये जो टाइमिंग ये बराबर आ गया, ये बराबर इधर जो मार्क दिखाई दे रहा है ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर भी आ गया। अभी ये दोनों 10 नंबर रहते हैं, वो दोनों 10 नंबर को टाइट कर लेना है। देखिए ये दोनों 10 नंबर इधर से आपको टाइट करना है, उसके बाद लॉक भी करना है। ये दोनों टाइट करने का काम हो गया। देखिए ये लॉक एक हो गया, फिर दूसरा ये हो गया। अभी जो टेंशन है, देखिए टाइट भी हो गया, सेट कर लेना है। देखिए ये सेट हो गया, अभी रॉकर को मेजरमेंट कीजिए, और रॉकर मेजरमेंट करने के लिए एग्जिट साइड कितना गैप देना चाहिए और कार्बोरेटर साइड में कितना गैप देना चाहिए मैंने एक वीडियो में देखा है। आपका जरूरत है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उधर से देख भी सकते हो। तो अभी ये रॉकर को मेजरमेंट कर लेता हूँ, करने के बाद इसका जो काम वो खत्म होता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूर आपको लगा होगा। आज इतना ही, बस ओके बाय।